कि ये रात के खाने में मैंने चढ़ा दी है चने की दाल। और अभी 2-4 मिनट और रखूँगी, चने की दाल है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में। और ये देखो, आजकल ठंडे पानी के लिए मैंने मटका स्टार्ट कर दिया है। मटके का ही पानी पीते हैं, बहुत ठंडा होता है। अभी फ्रिज का पानी शुरू नहीं किया हमने, फ्रिज में पानी नहीं रखते हैं, इसलिए मटके से ही पानी पी रहे हैं, पर अच्छा होता है। दाल मेरी बन रही है, और मेरी मतलब चने की दाल मैंने रख ली गई है, और सीटी की आवाज़ आ गई। अब आटा गूंथना है और चपाती बनानी है और इन सबको खिलाना है खाना। तो मैं बात कर रही हूँ, आज थोड़ी सी आपसे बात करूँगी लॉकडाउन के बारे में। कोई बात नहीं, लॉकडाउन है, सब घर में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी जान बचानी है, तो घर में तो रहना ही पड़ेगा। बाहर क्यों जाना, बाहर क्यों जाते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। फिर जब पुलिस डंडे मारती है तो कहते हैं हमें डंडे मारेंगे। आप अनावश्यक काम से बिल्कुल बाहर मत जाइए, अपने घर में ही रहो। क्या आपका मन नहीं लग रहा होता जो बाहर भागते हो? अपने घर जैसा स्वर्ग तो कहीं भी नहीं होता, क्यों बाहर जाते हो? घर में ही मन लगाइए, अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, जो भी आपके घर में मेंबर्स हैं उनके साथ घर पर ही रहिए। जब बोला गया है कि लॉकडाउन है, घर में रहना है, तो घर में ही रहना है, नियमों का पालन कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है ना, घर में रहिए, घर में रहो, अच्छा अच्छा खाना पीना खाओ और घर में रहो। घर से ज्यादा अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। घर में अगर खेलना चाहते हैं तो कितनी चीजें आप ताश खेलिए, लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, चेस खेलिए, कितने इंडोर गेम्स होते हैं, बच्चों को भी इन्हीं में खिलाइए, बच्चों का भी माइंड शार्प होगा। कुछ पढ़ाई करवा दीजिए, कोई जिनकी जो बच्चे रीडिंग में कमजोर होते हैं उनको रीडिंग करनी सिखा दीजिए, कि बच्चे रीडिंग करें और खड़े होके उनको पढ़ना बोलना सिखाइए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो घर में भी रह के अपने आप को बहुत बिजी किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि घर में कोई काम ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक सेकंड, मैं कुकर बंद करके आती हूँ। मैंने आज दाल जो है, आज क्या इन दिनों में दाल है, चाय है, दूध है, वो मैं इंडक्शन चूल्हा है जो इसी पर बना लेती हूँ। गैस स्टोव पर मैं कोशिश करती हूँ कि चपाती बने या तड़का लगाना होता है सब्जियों को तब, क्योंकि पता नहीं ना कि सिलेंडर की भी कमी नहीं हो जाए या सिलेंडर मिलना वो देर ना हो जाए या कैसे भी है। तो बाकी इलेक्ट्रिसिटी है वो तो आती ही रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हो बिजली वालों का कि जिन्होंने बिजली की जो सेवा है निरंतर जारी रखी हुई है, मतलब कोई कटौती नहीं है, कोई कमी नहीं है। हैट्स ऑफ है उनको, बिजली वालों को, कि हमें जो भरपूर बिजली दे रहे हैं। और उन डॉक्टर्स का बहुत बहुत सैल्यूट, उन डॉक्टर्स को नमन करती हूँ मैं जो कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, नर्स हैं और स्वास्थ्य कर्मी है हॉस्पिटल में, उन सभी को मेरा शत शत प्रणाम, नमन, सैल्यूट। भुला नहीं सकते इनकी सेवा को हम कभी भी। पुलिस वालों को नमन है, पुलिस वालों को, सफाई कर्मियों को नमन है, सफाई कर्मियों को सैल्यूट है इन सबको। इनकी सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे समय में जब हम लोग बाहर निकलने में ही डरते हैं, हम कुछ और लोग भी, तो ये लोग भी तो देखिए, सेवा करने के लिए, अगर कोई भी सेवा करने आगे नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? ये लोग भी सेवा करने के लिए आए हुए हैं ना। नमन है इन लोगों को, बहुत बहुत नमन है, हाथ जोड़ कर नमन है इन लोगों को।
ऐसे आपात स्थिति में जो लोग भी बाहर निकलकर कार्य कर रहे हैं उनको तो हैट्स ऑफ, इनका ये एहसान हम जिंदगी में कभी नहीं उतार सकते। बाकी पानी देखो, हमने तो मटके का शुरू कर रखा है यार, मटके का पानी इतना स्वाद होता है और ठंडा, ऐसा लगता है कोई शीतल जल पी रहे हो। बड़ा फ्रिज वाले पानी में एक आर्टिफिशियल जैसी चीज फील होती है, वो ठंडा तो होता है लेकिन जब हम मटके का में पीती हूँ ना, बहुत ही स्वाद लगता है। आप ट्राई करके देखिएगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्रिज का पानी पीने वाले जितने भी हैं वो जो बीमारियां उससे लगती है ना, कुछ मटके के पानी से नहीं लगती, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है। फरीदाबाद में बहुत गर्मी होती है, पानी ठंडा पीने का मन करता था क्योंकि टंकी में से जो पानी आता है आरओ से वो पानी बनता है तो बहुत गर्म होता है, वो पिया नहीं जा रहा था जिसकी वजह से मटका रखना पड़ा। और मेरा यह मटका आजकल तो मिल नहीं रहा मार्केट में, पिछली गर्मियों का था, मैंने वही स्टोर से निकाला और इसको रखा है क्योंकि अभी थोड़ा देखा ना आपने, थोड़ा पुराना सा भी लग रहा है, नया नहीं लग रहा। मेरा पिछली गर्मियों वाला था, मैंने वो संभाल के रखा हुआ था। तो कई बार चीजें रख जाते हैं, जब हम संभाल के रखते हैं अगली बार निकालो तो अब ऐसे आड़े टाइम पर बड़े दिल को संतुष्टि हो रही है कि मैंने इसको संभाल के रख लिया था। तो चलो अब हम तो दाल वाल को तड़का लगाऊंगी, आटा गूंथेंगी, रोटी बनाएंगे, खाना खाएंगे और सोना है। फिर उसके बाद वॉक वगैरह करके, खाना खाने के बाद, रात के खाने के बाद सैर जरूर किया करो, आप लोग भी किया करो, हम भी करते हैं। तो बस कब खाना खाएंगे, सैर करेंगे और उसके एक डेढ़ घंटे के बाद हम लोग सो जाएंगे। तो कल से फिर वही रूटीन है। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, भारतवासियों को सभी और देशवासियों को, मतलब विदेशियों को भी, इस कोरोना से मुक्ति दो और हर इंसान अपने घर में स्वस्थ रहे और अपनी आई मृत्यु पर ही सभी को जाना चाहिए। असमय मृत्यु किसी की भी ना हो, ईश्वर सबके ऊपर सीधी नजर रखिए। तो चलिए आज फिर गुड नाइट करते हैं, विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल, फिर मिलेंगे। कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो रेगुलर बनाती रहूँ, व्लॉग रेगुलर बनाऊँ, बीच में हम कुछ कुछ शॉर्ट मूवी भी बना लेते हैं। तो जल्दी ही आपको एक और शॉर्ट मूवी देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।